आवाज दे रहा हूं आदर्श संगीत प्रसारक के सम्मान से सम्मानित भाई शैलेंद्र कुमार कोशिश जी को इस मौके पर उनके उद्गार। समस्त सम्माननीय संगीत मर्मज्ञ सभ्रांत श्रोतागण, आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं उन लोगों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने इस जो आज ये संगीत का एक विशाल वृक्ष बन चुका है उसको रोपा और उसका सिंचन किया। पंडित स्वर्गीय पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी से के सानिध्य में वर्षों कार्य किया है और उनकी अथक परिश्रम और प्रेरणा के फलस्वरूप इस संगीत कला केंद्र रूपी वटवृक्ष का जो उन्होंने एक पौधा रोपा था, इस बात को देखकर मैं बहुत ही मुझे हर्ष होता है कि वो पौधा निरंतर ही उसकी शाखाएं, उसके पुष्प और उसका आकार बढ़ता ही चला जा रहा है और उसमें लोगों की जो भागीदारी है और लोगों का जो समावेश उसमें किया है वो एक बहुत ही काबिले तारीफ उसके उपरांत पंडित केशव तलेगांवकर जी जो बहुत ही एक जिनका एक ऊर्जावान और बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व रहा है और जो मेरे मित्र भी थे, तो उन्होंने इस संगीत कला केंद्र को अपना विशेष योगदान दिया और उसे निनाद कार्यक्रम तक पहुंचाने में विशेष रूप से उन्हीं का योगदान रहा है, क्योंकि उसके पहले जो संगीत कला केंद्र के कार्यक्रम होते थे उसको उन्होंने एक बृहद आकार दिया और निनाद महोत्सव के रूप में उसको भारत के सभी भागों में लोग जानने लगे और उसकी जो एक पॉपुलरिटी है वो निरंतर बढ़ती चली गई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने समय में और अब जो समय और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं और समय के साथ साथ नई नई चुनौतियां भी आती रहती हैं, संगीत जगत में विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पहले इस प्रकार की इतनी चुनौतियां नहीं थी जो कि आज हैं, और उन चुनौतियों के बीच में शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करना एक बहुत ही मेहनत का काम है। और क्योंकि अब आप देखते हैं, एक तो लोगों की जो लाइफ है, लोगों का जो जीवन है, वो इतना व्यस्त हो गए हैं लोग वाक के वो समय नहीं दे पाते, ना तो वो यदि वो विद्यार्थी है तो ना तो रियाज में समय दे पाएगा और ना वो कहीं सुनने में उसको ज़्यादा टाइम है, क्योंकि वो अपने जीवन में ही इतना व्यस्त है, आर्थिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं। दूसरा जो विदेशी प्रभाव है हमारे देश पर, विदेशी संस्कृति का जो प्रभाव है, कई प्रकार के म्यूज़िक आ रहे हैं जो कि जैसे रैप आ रहा है और ये आ रहे हैं, इन सब में जो हमारे युवा उसकी तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं, उनको शास्त्रीय संगीत की तरफ उन्मुख करना जो है एक बहुत ही विषम समस्या है, एक कठिन समस्या है। तो इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज जो हमारे पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट के जो पदाधिकारी गण हैं और उसकी जो निदेशिका हैं श्रीमती प्रतिभा तलेगांवकर, उनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको अथक परिश्रम से इसको वह निरंतर बढ़ाती जा रही हैं संगीत के प्रचार प्रसार को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो तलेगांवकर परिवार है इसमें अनेक गुणी लोग हैं और बहुत ही विद्वान संगीतज्ञ हैं, तो उनका एक संघ है कलाकारों का, उन्होंने जितनी मेहनत की है इसको बढ़ाने में और आगरे में संगीत का प्रचार प्रसार करने में, वो असली जो हकदार हैं पारितोषिक के वो वही परिवार है असल में। मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि हम जैसा इक्का दुक्का कलाकार अपनी मेहनत करता है, परंतु वहाँ कलाकारों का एक बहुत बड़ा संघ है जो कि लगातार बहुत ही परिश्रम से इस कार्य को कर रहा है संपादित, तो इसलिए उनको इस कार्य के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए और उनकी उपलब्धियों को
आंका जाना चाहिए। तो जो उन्होंने आज मुझे ये सम्मान दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। संगीत आप जानते हैं अमर आत्मा का अमर उपादान है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो ब्रज की परंपरा है, जिसमें स्वामी हरिदास जैसे संगीतज्ञ हैं, उन्होंने संगीत, उन्होंने ईश्वर की साधना में संगीत को आवश्यक माना है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी हमारी ये ब्रज की परंपरा है, इसमें राग भोग और श्रृंगार तीनों को स्थान दिया गया है। इसमें जो इसका अर्थ यह है कि यदि हम राग का मतलब है, यदि हम संगीत के बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो एक अवधारणा है और जो मान्यता है, वो स्वामी हरिदास उसी के प्रचारक प्रसारक थे। और दक्षिण में संत त्यागराज भी इसी प्रकार के संत थे, जो कि इस प्रकार की धारणा रखते थे। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि वास्तव में ईश्वर की प्रार्थना करने के बिना संगीत के ईश्वर की प्रार्थना नहीं की जा सकती। संगीत जो है वो हमारी आत्मा से निकलने वाली एक आवाज़ है जो ईश्वर तक पहुंचती है, और उसी से लोगों का कल्याण हो सकता है। आज अंत में बहुत समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि इस जो मुझे आज ये सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और इस तलेगांवकर परिवार और पंडित तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।